हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस लॉकडाउन में बाहर जाकर टेस्टी टेस्टी डिशेस नहीं खा पा रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी है, जिसको आप फटाफट से बना लेंगे और बहुत ही कम चीज़ों के साथ में। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपने सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें लेना है 4 प्याज और इसको हमें छील करके स्लाइस में काट लेना है। तो ये देखिए, प्याज को हमने स्लाइस में कट कर दिया है, बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में कट कर लेना है। और अब हम इसको डालेंगे एक बड़े से बाउल में। तो प्याज को हमें बड़े से बाउल में डालना है क्योंकि हमें इसको मिलाना है, तो मिक्सर बाउल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो हम प्याज को इसमें डाल लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची 2 बारीक कटी हुई ली है। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप कम डालें, या फिर लाल मिर्च भी आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं हरी मिर्च की जगह पे। अब हमें एक छोटी सी ओखली में लेनी है ये लहसुन। मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली है और 1 से 1.5 इंच इतना लंबा अदरक का टुकड़ा। और इनको हमें मोटा मोटा कूटना है। कूटे हुए अदरक लहसुन हमें इसमें ऐड करना है। तो ये तैयार हो गया है। तो इसको बिल्कुल भी महीन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा दर्रा ही रखा है मैंने। इनको डाल देते हैं प्याज वाले बाउल में। 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच के करीब में हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच के करीब में डालेंगे हम पाव भाजी का मसाला और 1/4 छोटी चम्मच के करीब में गरम मसाला पाउडर डालेंगे। सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो बेसन मैंने 4 टेबलस्पून के करीब में लिया है, तो हम इसमें 4 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे। अगर इसको मिलाने के बाद ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा और ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून बेसन डालने के बाद 2 टेबलस्पून के करीब में चावल का आटा ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप 3 टेबलस्पून चावल का आटा डालें। अब डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, बारीक कटे हुए धनिया और पुदीने के पत्ते हमने इसमें ऐड कर लेने हैं 2 टेबलस्पून के करीब में। आप चाहे तो करी लीव्स भी बारीक काट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून सरसों का तेल लेना है और इनको हमें हल्का गुनगुना गर्म कर लेना है। और किसी भी कलछी में आप इसको गरम कर ले, हल्का गुनगुना गरम ही करना है, या फिर किसी भी कटोरी में भी गरम कर ले। और बहुत ही ध्यान से हमें इस मिक्सचर में ये गरम तेल डाल लेना है। इससे बहुत ही क्रिस्पनेस आती है और स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमें डालना है नींबू का रस। 1/2 छोटी चम्मच के करीब में नींबू का रस डालेंगे। आप चाहे तो इसके जगह पर अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। और किसी भी तलने वाली चीज़ में आप अगर नींबू का रस डालेंगे तो तेल कम सूखता है। तो अब हम इन सारे सूखे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे चम्मच की मदद से। तो ये देखिए, हमने इनको अच्छे से मिला लिया है और बेसन लगभग इनके ऊपर हल्का हल्का कोटिंग हो गया है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बेसन डालने की, अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब में पानी डालेंगे और इनको अच्छे तरीके से बाइंड करेंगे। बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए मिक्सर, तो अच्छे से मिला लेना है हमें। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इनको हमें इस तरीके से गोल गोल बांध लेना है, ये देखिए इस तरीके से, बिल्कुल टाइट होना चाहिए मिक्सचर। और अब हमने यहाँ पर तेल को बढ़िया से गरम कर लेना है। तेल को बहुत ही अच्छे से गरम करना बहुत ज़रूरी है। और इस गरम तेल में हमें एक एक करके बॉल्स को डाल देना है। अगर तेल गरम नहीं रहेगा तो जो बॉल्स हैं उसके अंदर तेल चला जाएगा और खाने में बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रहेगा, बहुत ही ऑयली ऑयली सा लगेगा। तो इसके लिए तेल का अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक एक करके बॉल्स को इसमें डाल लेना है, एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब हमें एक साइड हल्के हल्के सुनहरे होने के बाद से इनको टर्न करते रहेंगे। अगर फ्लेम हाई हो गया हो तो उनको हम हल्का सा कम कर लेंगे और इनको अच्छे तरीके से सुनहरा होने तक, जब तक कि ये अच्छे तरीके से अंदर से कुक हो जाएं और बाहर से सुनहरे हो जाएं और क्रिस्पी हो जाए, तब तक हम इनको मीडियम फ्लेम पर तलेंगे। तो हम इसी तरीके से इनको उलटते पलटते रहेंगे और इनको कुक करेंगे अच्छे से। तो देख सकते हैं आप, थोड़ी देर में ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं और अंदर से भी अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे कि देखिए, और बाकी के बचे बॉल्स भी हम इसी तरीके से गरम तेल में डाल करके तल लेंगे और इनको भी हमें सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलना है। तो ये तैयार है बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं कि बाहर से कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि बिल्कुल अंदर से कच्चा नहीं है और खाने में कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये
प्याज के पकोड़े जैसा ही है, लेकिन इसको प्याज बोंडा कह सकते हैं। आप इसको हरी चटनी, मीठी चटनी या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल लच्छेदार प्याज है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं रह गया है, आप चेक देख सकते हैं। तो इस लॉकडाउन में आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसी ही और भी रेसिपीज़ आप YouTube के साथ साथ Facebook, Instagram और Twitter पर देख सकते हैं, और इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। ढेर सारी और भी रेसिपीज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर के आप सारी रेसिपीज़ को चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलती हूँ अगली एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।